पिछले आप सबको आईना दिखा रहे हैं, खुद नहीं देखना चाहते। देवेंद्र फडणवीस जी ने जो वसूली की, ये देखिए, ये मैं पुरावे के साथ बोल सकती हूँ। तो जेल में डालिए ना उनको, आपकी सरकार है। उनको जेल में क्यों नहीं डाला आपने? आपकी सरकार है विद्या जी। लोगों को कौन डालेगा? आपकी सरकार है, क्यों नहीं डालते जेल में उनको? चुपचाप बैठे थे। अगर उन्होंने वसूली की है विद्या जी, तो जेल में क्यों नहीं फडणवीस? सिर्फ एकनाथ खड़से को हटाया क्योंकि उनको लगता था अगर कल वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो मेरी सारी बातें मान लेता हूँ। इसलिए उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया, लेकिन अब तो आपकी सरकार है, जांच बिठाइए, उनको जेल में डालिए। भ्रष्ट लोगों के ऊपर उनको जेल में क्यों नहीं डालते? करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको मालूम है पिछले 15 महीनों से कोरोना से ग्रस्त है महाराष्ट्र। अच्छा, कोरोना की वजह से जांच नहीं हुई? जो जीएसटी का पैसा मिलना चाहिए, कोरोना की वजह से सचिन बाजे भर्ती हो गया, केंद्र सरकार नहीं दे रही है, कोरोना की वजह से जांच भी नहीं। केंद्र सरकार इसी पवार साहब, इसलिए केंद्र सरकार। ठीक मैडम, आपने सारी राजनीतिक बात कही, लेकिन पवार साहब कोई सूढ़ बुद्धि से, आप खुद आईपीएस अधिकारी रहे, एक पुलिस कमिश्नर पद से हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है जाके, और वो ये कहता है कि एपीआई को 100 करोड़ रुपए की उगाही का टारगेट गृह मंत्री ने दिया था, क्या यह सामान्य बात है? भाई ये तो सामान्य क्या, सामान्य से भी असामान्य है, क्योंकि करप्शन अंदर होता है डिपार्टमेंट में, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे तरीके से बाहर आ जाएगा और सारा ओपन हो जाएगा, ये किसी को पता नहीं था। आमतौर पर सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर होता है वही मंत्रालय से संबंध रखता है, बाकी जूनियर लेवल के ऑफिसर्स है, ये एक्चुअली ऑर्डर्स ऐसे है, रूल ऐसा है कि कोई भी अधिकारी पुलिस, अपना पुलिस ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर, कंडक्ट डिसिप्लिन रूल के अंदर पॉलिटिकल आदमी को नहीं मिल सकते हैं बगैर प्रायर परमिशन उसका टॉप मोस्ट जो बॉस है उसकी। तो यदि वाजे जाके मिलता था क्या नहीं, ये भी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, उससे मालूम पड़ता है कि वाजे जाके होम मिनिस्टर से मिलता था, जो कि सरासर कंडक्ट डिसिप्लिन रूल के खिलाफ है। तो यदि कमिश्नर ऑफ पुलिस की रैंक का आदमी ये बोलता है, तो या तो वो सच होना चाहिए, और सच नहीं है तो उसके ऊपर इंक्वायरी लगा के चार्जशीट दे के उसको सस्पेंशन करना चाहिए था, ऐसा मैं समझता हूँ। इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की गई होगी तो क्यों नहीं गई की गई, और इसका मतलब एक तो आप। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।